हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपशिखा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर की दून वैली के बारे में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन प्लान दिस ट्रैक एंड व्हाट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड बिफोर अटेम्प्टिंग दिस ट्रैक। एंड दिस इज़ दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैक्स एंड ट्रैवल गाइड्स। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रैक्स एंड ट्रैवल गाइड्स बना रखे हैं जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो। ट्रैक के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी। सो बी विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल दी एंड। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर इज हर की दून ट्रैक, इसके बाद ट्रैक रूट क्या रहेगा, आइटनरी क्या रहेगी, और एकोमोडेशन एंड बजट, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर की दून के साथ साथ हमने रोइंसरा लेक भी अपने ट्रैक आइटनरी में इंक्लूड किया था। तो अगर आप हर की दून ट्रैक सिर्फ करना चाहते हो उसके लिए यू नीड 5 days एंड 4 nights, और अगर आप रोइंसरा लेक भी ऐड करते हो हर की दून के साथ में तो इट विल टेक 7 days। सो अब बात करते हैं दैट वेयर इज़ हर की दून। सो हर की दून ट्रैक जो है वो उत्तराखंड के सांकरी इज़ द बेस कैंप फॉर दिस ट्रैक। सांकरी से आगे है तालुका 13 किलोमीटर, वहाँ से ही ट्रैक स्टार्ट होता है एंड द ट्रैक डिस्टेंस इज 54 किलोमीटर्स इन टोटल। और अगर आप रोइंसरा लेक भी इसके साथ में ऐड करते हो देन टोटल ट्रैक डिस्टेंस वुड बी 80 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। हाउ टू रीच सांकरी इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना पड़ेगा एंड देहरादून आप फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस कैसे भी आ सकते हो। दिल्ली से देहरादून के लिए आपको रेगुलर इंटरवल पे बसेस, ट्रेन्स ये सब मिल जाएगा। और देहरादून से जो सांकरी है उसका डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स एंड ये डिस्टेंस कवर करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 hours का टाइम लग जाता है। एंड गाइज, दिल्ली से सांकरी पहुंचने के लिए जो कन्वेंशनल रूट है हमने उसे फॉलो नहीं किया था। सो देहरादून मसूरी ना जाकर हमने विकास नगर वाला रूट फॉलो किया था। इसके बाद नेक्स्ट डे सांकरी से आप तालुका जाओगे और तालुका से योर ट्रैक विल स्टार्ट टू हर की दून। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैक रूट्स। सो गाइज, अगर आप सिर्फ हर की दून वैली को एक्सप्लोर करते हो तो 2 ट्रैक रूट्स हैं जो काफ़ी कॉमन हैं। दोनों रूट्स में ट्रैक जो है वो 5 days का ही रहता है, बट द ओनली डिफरेंस विल बी द कैंप साइट्स कि आपका नाइट स्टे कहाँ रहेगा। एंड टू गिव यू द आइडिया ऑफ कैंप साइट्स, चिल्लरगढ़, गंगाड़, पाउनी और ओसला ये 4 जगह हैं जो कि 3 किलोमीटर की रेडियस में है और सारे ट्रैकिंग कंपनीज इन्हीं में से कहीं पर स्टे करवाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दीज रूट्स इन डिटेल। रूट 1 में डे 1 पे आप स्टे कर सकते हो चिल्लरगढ़ या फिर गंगाड़ विलेज में या फिर ओसला विलेज में। डे 2 पर आपका स्टे रहेगा सिमात्रा कैंप साइट। डे 3 पर हर की दून और फिर हर की दून वैली को एक्सप्लोर करने के बाद सिमात्रा या फिर बोसलो दोनों में से कहीं पे भी स्टे कर सकते हो। सेकंड रूट में डे 1 पे आप हाइक करके पाउनी गरत एक स्मॉल विलेज है जो कि गंगाड़ के पास ही है, तो यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो। डे 2 पे पौनी से कलकतिया धार कैंप साइट के लिए और डे 3 पर कलकतिया धार से हर की दून एंड रिटर्न ट्रैक टू कलकतिया धार। एंड गाइज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। बहुत सारी ट्रैकिंग कंपनीज हैं जिनकी आइटनरी ये रहती है कि आप कलकतिया धार से हर की दून जाते हो एंड हर की दून वैली को एक्सप्लोर करने के बाद वापस कलकतिया धार आते हो, जो कि मैं डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूँगी। रीज़न, क्योंकि कलकतिया धार से हर की दून वैली का जो डिस्टेंस है दैट इज 6 to 7 kilometers अप्रॉक्स, और उसके बाद अगर आप सेम डे हर की दून वैली को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आते हो इन दैट केस यू नॉट गोना गेट इनफ टाइम टू एक्सप्लोर हर की दून वैली। सो आई वुड रेदर रेकमेंड कि यू कैन ईदर स्टे एट बोसलो कैंप साइट और एट सिमात्रा कैंप साइट। इससे ये होगा कि आपको पूरा टाइम मिलेगा हर की दून वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। और डे 4 और 5 पे आपका रिटर्न ट्रैक रहेगा। तो ये दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप हर की दून वैली को विजिट कर रहे हो। बट डू यू गाइज नो कि हर की दून वैली से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बहुत ही खूबसूरत एक स्मॉल ग्लेशियर लेक है जिसका नाम है मणिंदा लेक। तो ये लेक भी आप अपनी आइटनरी में
इंक्लूड कर सकते हो अगर आप सिर्फ हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। बट इसके लिए आपको एक फुल डे चाहिए होगा, तो या तो आपका ट्रैक जो है वो 6 डेज का रहेगा, और या फिर आप इसको 5 डेज में भी कर सकते हो। सो दिस इज माई रिकमेंडेड आइटनरी अगर आप हरकीदून वैली के साथ मनिंदा लेक भी एक्सप्लोर करना चाहते हो। और अगर आप मनिंदा लेक एक्सप्लोर नहीं भी करना चाहते हो, तो हरकीदून वैली से भी आगे जौनधार ग्लेशियर है, तो उस डायरेक्शन में भी आप ट्रैक करके जा सकते हो। तो ये जो मैंने आइटनरी बताई है कि 2nd और 3rd नाइट को आपका जो स्टे है वो बोस्लो कैंप साइड में रहेगा, तो इस तरह से आपको टाइम मिल पाएगा हरकीदून वैली और मनिंदा लेक, या फिर हरकीदून वैली और जौनधार ग्लेशियर को एक्सप्लोर करने का। नाउ लेट्स डिस्कस दी अनदर रूट। तो अगर आप हरकीदून के साथ रोहिणसरा लेक भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इसके लिए 2 ट्रैक रूट पॉसिबल है। या तो आप हरकीदून वैली को विजिट करते हुए रोहिणसरा वैली को एक्सप्लोर करो, या फिर आप रोहिणसरा वैली को विजिट करते हुए फिर हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करते हुए वापस तालुका आओ। इन दोनों रूट्स को हम डिटेल में आइटनरी के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं आइटनरी के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ वो आइटनरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने इस ट्रैक को करा था। सांकरी से हम गए तालुका, और तालुका से हमने एक्सप्लोर किया रोहिणसरा लेक को, उसके बाद हम गए हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करने, और फिर वापस तालुका आए। डे 1 जो हमारा था, तालुका से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था, एंड डे 1 पे तालुका टू चिल्लुगढ़, चिल्लरगढ़ वॉज आर फर्स्ट कैंप साइट, एंड तालुका से चिल्लरगढ़ का जो डिस्टेंस था दैट इज़ 11 किलोमीटर्स, और इसको कवर करने में 6 से 7 या 8 घंटे का टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेमिना। एंड जो फर्स्ट डे का स्टे रहता है वो चिल्लरगढ़ कैंप साइट में रहता है। फिर नेक्स्ट डे हमने चिल्लरगढ़ से रैन बसेरा कैंप साइट के लिए मूव किया, एंड टुडेज डिस्टेंस इज 11 किलोमीटर, और इसको कवर करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है। तो 2nd नाइट का जो स्टे रहेगा वो रैन बसेरा कैंप साइट में रहेगा, एंड 3rd डे वुड बी फ्रॉम रैन बसेरा टू रोहिणसरा लेक। रैन बसेरा कैंप साइट जो है वहाँ से रोहिणसरा लेक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स का है, एंड अगेन इट वुड टेक लाइक 5 to 6 hours टू रीच रोहिणसरा लेक। डे 4 पे हम रोहिणसरा से बोस्लो कैंप साइट गए थे, और जो आज का डिस्टेंस था वो हमारे पूरे ट्रैक का सबसे लॉन्ग डिस्टेंस हमें कवर करना था आज, अराउंड 14 to 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना था, और इसमें 7 से 8 घंटे का हमें टाइम लगा। सो टुनाइट योर स्टे वुड बी एट बोस्लो कैंप साइट। नाउ डे 5, सो टुडे इज़ द डे वी ऑल हैड बीन वेटिंग फॉर, बिकॉज आज का जो दिन है वो हमें जाना है हरकीदून वैली, जो कि मेन अट्रैक्शन है इस ट्रैक का। और बोस्लो कैंप साइट से हरकीदून वैली का डिस्टेंस जो है दैट इज़ ओनली 3 किलोमीटर्स, तो 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही आराम से आप ये डिस्टेंस कवर कर सकते हो। उसके बाद यू हैव होल डे टू एक्सप्लोर हरकीदून वैली, या फिर इसके साथ आप मनिंदा लेक भी आप अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हो। सो हरकीदून वैली से मनिंदा लेक का डिस्टेंस अगेन 3 किलोमीटर्स का है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप असेंड है, क्योंकि जो हरकीदून वैली है वहाँ का ऑल्टीट्यूड है 3570 मीटर्स, एंड जो मनिंदा लेक है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर्स पे है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा असेंड होगा, बट एनीवे यू कैन एक्सप्लोर मनिंदा लेक एज वेल, एंड अगेन टुनाइट योर स्टे वुड बी एट बोस्लो कैंप साइट। डे 6 पे यू विल बी हाइकिंग फ्रॉम बोस्लो कैंप साइट टू चिल्लरगढ़ कैंप साइट अगेन, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 13 किलोमीटर्स, एंड अगेन इट वुड टेक 6 to 7 hours टू कम्प्लीट दिस हाइक। एंड चिल्लरगढ़ इज़ द सेम कैंप साइट जहाँ पे हमने डे 1 पे स्टे किया था। एंड गाइज, वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो मेरे पीछे एकदम डांस फॉरेस्ट है, और वहाँ से मुझे हिरन की आवाज़ भी आ रही है। सो डे 6 पे आप बोस्लो से चिल्लरगढ़ कैंप साइट आने के टाइम पे ओस्ला विलेज है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड ओस्ला इज़ वेरी ओल्ड विलेज, बहुत ही एंसिएंट विलेज है यहाँ पे, एंड एक टेम्पल भी है। एंड गाइज, ओस्ला विलेज का सेपरेट वीडियो लिंक आई बटन पे है, सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। नाउ डे 7, और ये हमारे ट्रैक का फाइनल डे था, और हमें वापस तालुका तक हाइक करना था। सो दिस वॉज द आइटनरी वी फॉलोड फॉर आवर ट्रैक टू हरकीदून एंड रोहिणसरा वैली। सो गाइज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमने इस ट्रैक की आइटनरी में सबसे पहले एक्सप्लोर किया था रोहिणसरा वैली को, और उसके बाद रोहिणसरा वैली को एक्सप्लोर करने के बाद हम गए थे हरकीदून वैली की तरफ। मोस्टली जो ट्रैकिंग कंपनीज हैं और ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं
वो पहले हरकीदून को विजिट करते हैं, हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करने के बाद फिर वहां से वो रोइंसरा वैली की तरफ जाते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आपको रोइंसरा वैली को एक्सप्लोर करने ही जाना चाहिए, और रोइंसरा वैली को एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हो हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करने। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चिल्लरगढ़ से हरकीदून का जो एसेंड है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, स्पेशली कलकतियाधार तक की जो चढ़ाई है वो लिटरली काफी परेशान कर देती है, और कलकतियाधार से आगे भी हरकीदून तक कुछ स्टीप सेक्शंस हैं। बट इसके ऑपोजिट चिल्लरगढ़ से रोइंसरा लेक तक का जो एसेंड है वो एकदम ही ग्रेजुअल है, और इसके बाद रोइंसरा से हरकीदून होते हुए जब आप वापस आओगे तो कलकतियाधार और ओसला तक आपको सिर्फ और सिर्फ डिसेंड करना रहता है, विच एनीवन कैन इजीली मैनेज। सो दिस इज द मेन रीजन कि पहले आपको रोइंसरा और उसके बाद हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करने जाना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस द बजट फॉर दिस ट्रैक। सो हमने एक लोकल सांकरी बेस्ड ट्रैकिंग कंपनी के साथ ये ट्रैक किया था, एंड इट कॉस्ट अस 10,000 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम सांकरी टू सांकरी, एंड दिस कॉस्ट इंक्लूड्स हरकीदून एंड रोइंसरा लेक। सो इफ़ यू आर ओनली डूइंग हरकीदून तो अप्रॉक्स 7,000 में आप ये वाला ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा सांकरी पहुँचने और वापस जाने का एक्सपेंडिचर कुछ इस तरह होगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो तो इट विल कॉस्ट यू 1,000 रुपीज़। अगर आप शेयर्ड कैब यूज़ करते हो तो शेयर्ड कैब का जो फेयर है वन साइड 1,000 रुपीज़ अप्रॉक्स रहता है। सांकरी आना और जाना विल कॉस्ट यू फॉर 2,000 रुपीज़, एंड इफ़ यू ऑप्ट फॉर प्राइवेट कैब देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज़ वन वे। एंड गाइज, इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के साथ ट्रैक नहीं करते हो, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर DIY, तो आपका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो सकता है, एंड इट कैन कॉस्ट यू अप टू 4,000 to 5,000 रुपीज। बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स, वाटर स्ट्रीम्स हैं जो रास्ते में मिलेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने साथ वाटर कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काफ़ी सारे स्ट्रीम्स हैं, आप कहीं से भी अपनी वाटर बॉटल रीफिल कर सकते हो। प्रो टिप नंबर 1 कि आप चाहे किसी भी वेदर में यहाँ पर ट्रैक करने आ रहे हो, लेकिन आपको अपने साथ हैवी वुलन्स कैरी करके ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता होता। जैसे ही सनसेट होगा टेम्परेचर ड्रेस्टिकली ड्रॉप कर जाता है और ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। टुडे इज़ 8th of May, बट अभी मैंने 3 लेयर पहनी हुई है अपर में, और अभी जस्ट सनसेट हुआ है, तो आपको अपने साथ हैवी वुलन्स कैरी करके रखना होगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर हरकीदून विद रोइंसरा लेक, तो आपकी आइटनरी जो है वो 6 से 7 दिन की रहेगी, और इस बीच में आपको कहीं पर कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। So it's better to inform your family and friends that you are staying away, you are going away from the network zone for next 6 to 7 days. Tip number 3 is headlamp is really really mandatory, क्योंकि करीब 6 से 7 घंटे की hikes होती है daily basis पे, तो track जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, and you never know आपको कितना time लग सकता है। If it's dark, अगर sunset already हो चुका है, अंधेरा हो गया है, तो आपको हेडलैम्प या फिर टॉर्च अपने साथ कैरी करके रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ टिप नंबर 4 इज़ अवॉइड डूइंग दिस ट्रैक इन मानसून एंड पीक विंटर्स। मानसून में तो वैसे भी 1 से 1.5 महीने के लिए ये ट्रैक बंद हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन होने की वजह से ट्रेल जो है वो काफ़ी जगह पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम इसी वजह से विंटर में हैवी स्नोफॉल के कारण भी ट्रेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और पता नहीं चलता, इस कारण से ट्रैक बंद रहता है पीक विंटर्स में भी और मानसून के टाइम पर भी। But don't worry, you can still enjoy the snow from March to April, so you can plan accordingly if snow is your preference. Tip number 5. Now when it comes to best time to do this track, May is I think the best time. Either May or monsoon ke baad you should come here. September mein phir se track start ho jata hai, September se leke December tak aap ye wala track attempt kar sakte ho. और सितंबर मंथ में अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे वैली में। अभी मई में ट्रेल पे इतने ज़्यादा फ्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देन इमेजिन कि अगर आप मानसून के बाद यहाँ पर आते हो तो क्या आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे इस खूबसूरत वैली के। एंड अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर वुड बी ड्राई मंथ्स। फॉल सीजन स्टार्ट हो जाता है तो ग्रीनरी जो है वो वैनिश होने लगती है, एंड दिसंबर तक स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है, एंड इट गेट्स रियली फ्रीजिंग। सो उस टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारे हैवी वुलन्स जो है वो कैरी करने पड़ेंगे। टिप नंबर 6, अगर आप सिर्फ हरकीदून ट्रैक कर रहे हो तो गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। बट रोइंसरा लेक वाली साइड 2-3 जगह पे ट्रेल जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, सो इट्स बेटर
टू गो विद अ लोकल गाइड। एक्चुअली मैं गाइड के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम रोइंसरा वैली में ट्रैक कर रहे थे तो उस टाइम पे वहाँ पे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एंड इनफैक्ट जब हम रोइंसरा लेक एक्सप्लोर करने के बाद जब बॉस्लो कैंप साइट की तरफ जा रहे थे तो पूरी जो ट्रेल है वो इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड थी कि 14 टू 15 किलोमीटर्स की हाइट में हमें एक बंदा भी नहीं दिखा। सो दैट्स वाई माई रिकमेंडेशन इज़ टू हायर अ गाइड फ्रॉम सांकरी और तालुका अगर आप रोइंसरा लेक भी अपने हाइटनरी में इंक्लूड करना चाहते हो, या फिर आप किसी ट्रैक ऑर्गेनाइजर या किसी लोकल कंपनी के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो। And if you are going solo, then you can always download offline maps and keep them handy. टिप नंबर 7, ये वैसे ऑप्शनल है नाउ क्योंकि ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी लॉन्ग ट्रैक है, सो यू कैन ऑफलोड योर लगेज टू म्यूल्स इफ़ यू वांट टू। एंड आप पोर्टर भी हायर कर सकते हो सांकरी या फिर तालुका से, और इसके अलावा अगर आप अपना लगेज खुद से कैरी करना चाहते हो देन इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। टिप नंबर 8, स्टार्ट अर्ली ईच डे सो दैट यू कैन हैव इनफ टाइम टू एन्जॉय द ट्रेल, द व्यूज, ऑल्सो यू कैन गेट इनफ time to take those perfect shots of mountains and valleys. Tip number 9. So, अब बात करते हैं कि क्या first timers इस track को attempt कर सकते हैं या फिर नहीं। So, yes, anyone of you can attempt this track if you are moderately fit. And guys, अगर हरकीदून के साथ में आप रोइंसरा लेक भी add करते हो तो जो total ट्रैक है वो 7 days का रहता है एंड पूरे 7 days में आपको जो डिस्टेंस कवर करना होता है दैट इज़ अप्रॉक्स 80 kilometers। सो ऑन एन एवरेज आप डेली बेसिस पे 10 से 12 किलोमीटर्स की हाइक करते हो। नाउ इफ़ यू वुड कम विदाउट प्रिपेयरिंग योर बॉडी यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एंड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आपको ये ट्रैक करने में। सो इट्स बेटर टू बी रेडी बिफोर हैंड। And what you can do is, you can start running at least 15 days before going for the track. And if your body and mind is prepared, then you're gonna definitely love this track. Tip number 10, ये वैसे काफ़ी important है. So guys, अगर आप सिर्फ हरकीदून जा रहे हो, तो I would highly recommend to add Roinsara Lake with this. And by this way, you can do a complete circuit of हरकीदून एंड रोइंसरा वैली। एंड गाइस, रोइंसरा वैली इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड फॉर मी इट्स मोर ब्यूटीफुल देन हरकीदून वैली। फील ही नहीं हो रहा है दैट इट्स मे, टुडे इज 8 मे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मॉनसून ट्रैक के लिए आई हूँ बिकॉज यहाँ की जो ग्रीनरी है, जो वेदर है, और हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश, इतने ब्यूटीफुल सीनरी, इतने खूबसूरत नज़ारे, ओ माई गॉड, मतलब सीरियसली यू विल फील लाइक बींग इन अनदर वर्ल्ड। क्योंकि मोस्टली जो ट्रैकर्स हैं वो सिर्फ हरकीदून वैली को एक्सप्लोर करने जाते हैं, रोइंसरा वैली नहीं जाते हैं, तो यही वजह है कि ये वैली काफ़ी अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, और इसीलिए यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है दैट इज़ इनकम्पेरेबल एंड बियॉन्ड वर्ड्स। एंड रोइंसरा लेक कैंप साइट जो है वो अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कैंप साइट्स में से एक है, और ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी आइटनरी में सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके। एंड नाउ मैं सिर्फ इतना कहूँगी दैट यू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स व्हाट यू गेट देयर वुड बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सो गाइज, नाउ आई थिंक कि ट्रैक की रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस वीडियो में। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हो या आप किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो या माउंटेंस में विजिट करने जा रहे हो, देन डोंट लिटर द वैली एंड एनीवेयर इन द माउंटेंस एंड लीव द प्लेस एज ब्यूटिफुल एज इट वॉज बिफोर यू केम देयर। जब हम अपने ट्रैक से वापस आ रहे थे अपने ट्रैक के फाइनल डे पर, तो वी डिसाइडेड टू डू अ क्लीनिंग ड्राइव। सो गाइस, ट्रेल पर जितना भी प्लास्टिक ट्रैश मिल रहा है वो हम यहाँ पे अपने साथ इस ट्रैश बैग में कलेक्ट कर रहे हैं। अगेन माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप क्लीन द माउंटेन। एंड गाइस, ट्रैक के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है या कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस गाइड एंड इफ यू रियली डिड देन प्लीज subscribe to my channel and hit that like button and also the bell icon so that you don't get to miss out any notification from this channel. See you on another location. Till then, take care, be safe, bye bye. And सबसे ज़्यादा जो rappers थे वो हमें मिले थे दिलबाग के। फिर से दिलबाग। यहाँ पर आके लोग दिलबाग ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर दिलबाग ज़्यादा खाने वाले लोग ही यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। I don't know.